दोस्तों आज की कहानी है, माँ हमें तो मायके से अपनापन और प्यार चाहिए, अपनी भाभी का हक नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आ गए आप दरवाजा खोलते ही अपने पति वरुण को खड़ा देखकर रिया सहकते हुए बोली, हाँ आ गया। तभी तो सामने खड़ा हुआ वरुण भी शरारत से बोला तो रिया हंस पड़ी। अंदर आते ही सामने बैठक में बैठी हुई वंदना जी भी बेटे को वापस आया देख बोल पड़ी, आ गया तू, कैसी रही तेरी मीटिंग? अच्छी रही माँ, हमें घूमने के लिए भी काफ़ी वक्त मिल गया था इसलिए जयपुर की मार्केट में भी चला गया था। वरुण बोला, अच्छा क्या लाए वहाँ से? वहाँ की लहरियों तो बहुत मशहूर है ना? रिया खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ मेरे सभी दोस्तों ने अपनी पत्नियों के लिए साड़ी ली तो मैंने भी ले ली। माँ ये देखो ये साड़ी तुम्हारे लिए और ये साड़ी रिया के लिए। दो साड़ियां बैग से वरुण ने निकाली, एक सुंदर सी हल्के नीले रंग की अपनी माँ के लिए और एक बहुत खूबसूरत गुलाबी साड़ी रिया के लिए। रिया तो साड़ी देखकर उछल ही पड़ी लेकिन वंदना जी का मुंह उतर गया। बस दो ही साड़ियां लाया है अपनी बहनों को भूल गया कि अभी भी आ गई तो बहनों का हक मारने लगा। वरुण माँ की इस बात पर सहज हो गया। माँ प्रिया दीदी और कविता के लिए तो कभी कुछ दिनों पहले ही त्योहार का शगुन गया था इसलिए तो क्या हुआ सुन ले बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटियों के साथ पक्षपात नहीं होने दूंगी। आखिर से घर में जो चीज बहू के लिए आएगी तो मेरी बेटियों के लिए भी आएगी। आखिर उनका भी अपने भाई की कमाई पर कुछ हक बनता है। सास की बहस सुनकर रिया की सारी खुशी फूस कर हो गई। वरुण का भी मन बूझ गया। कुछ दिनों बाद रिया और वरुण की शादी की पहली सालगिरह आने वाली थी। वरुण सोच रहा था कि रिया को कोई अच्छा सा उपहार दे जो यादगार हो। उसने देखा था कि रिया के पास सिर्फ दो ही अंगूठियां थी, एक सगाई की और एक ज्वेलरी सेट के साथ की जो बड़ी होने के कारण रिया कम ही पहनती थी। वरुण ने एक सुंदर सी रिंग रिया के लिए बनवा ली। सालगिरह वाले दिन जब वरुण ने रिया को रिंग गिफ्ट की तो वंदना जी के बर्दाश्त से बाहर हो गया। वरुण तो बहू के लिए सुबह शाम गहने बनवा लेता है और मुझे बताता भी नहीं। अभी शादी में तो पूरा सेट सजाया था फिर इतनी जल्दी और गहनों की क्या जरूरत पड़ गई? अरे सिर्फ अपनी बीवी के बारे में ही सोचता रहता है। जैसे तेरी माँ बहनें तेरी कुछ नहीं लगती। मैंने कहा था तुझे से कि घर में कोई सी जाएगी तो मेरी बेटियों के लिए भी आनी चाहिए। आखिर उनका भी इस घर पर हक है। अपनी माँ की इस जीत पर वरुण और रिया सतबद्ध थे। ये भला किस घर का नियम है कि पति अपनी पत्नी को कोई उपहार भी नहीं दे सकता? उस दिन के बाद वरुण रिया के लिए कुछ लाना चाहता तो भी रिया मना कर देती थी। घर में कले से अच्छा है वह बिना उपहार के ही रह जाए। कुछ दिनों बाद रिया की बड़ी ननद परिया अपने मायके आई। वंदना जी अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। परिया के गले में नई सोने की चैन देखकर वंदना जी पूछ बैठी, बेटा इस चैन की गढ़ाई तो बहुत सुंदर है, नई लग रही है? हाँ माँ अभी कुछ दिनों पहले ही बनवाई है। आपके दामाद को इस बार बॉन्स मिला था तो उन्होंने दिलवा दी। ननन की बात सुनकर रिया झट से बोल पड़ी, दीदी तब तो जीजा जी का दोगुना खर्चा हो गया होगा। रिया के सवाल पर वंदना जी और ननन हैरान से उसके मुंह देखने लगी। दोगुना खर्चा
वो क्यों भाभी? परिया ने पूछा। दीदी आपकी ननन के लिए भी तो जीजा जी ने सेन बनवाई होगी ना, क्या बेकार की बात कर रही हैं बहू। ननन को आए दिन कोई सेन सोने की सेन देता है क्या? वंदना जी रिया को झिड़कते हुए बोली, हाँ भाभी भला ननन के लिए सेन क्यों बनवाएंगे, उनको जो देना था शादी में दे दिया, अब ननन के जेवर बनवाने की जिम्मेदारी उनके पति की है, उनके भाई की नहीं। परिया सीढ़ते हुए बोली, अच्छा दीदी लेकिन मम्मी जी तो कहती हैं कि बहनों का हक पत्नी के बराबर होता है, घर में कुछ भी आए तो बेटियों का उसमें बराबर हिस्सा होता है। रिया की बात पर परिया अपनी माँ का मुंह देखने लगी, वंदना जी नजरें सुरा रही थी। परिया समझ गई कि उसकी माँ बेटियों के मुंह में भाई भाभी पर नाजायज दबाव बना कर रखती है। वो माँ को समझाते हुए बोली, माँ हम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गहने बनवाया या कुछ लाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, हमारे मुंह में आकर आप अपने बेटे बहू के साथ ये ठीक नहीं कर रही है। माँ हमें तो मायके से अपनापन और प्यार चाहिए, अपनी भाभी का हक नहीं। आपके हिसाब से तो भाभी सही कह रही हैं कि मुझे भी अपनी सेन के साथ अपनी ननन के लिए भी एक सेन बनवानी सही है। सही उसके लिए आपके दामाद को अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च क्यों ना करना पड़े। अब छोड़ना बेटा, मैं तो बस यूं ही कह देती हूँ, अब से नहीं कहूंगी। बस पक्षपात तेरा भाई नहीं बल्कि मैं ही कर रही थी बहू, तू भी मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं ही भूल गई थी कि मेरी बेटी भी किसी के घर की बहू है। वंदना जी की बात पर दोनों ननन भाभी मुस्कुरा दी। सच में वैसे तो बेटियां माँ की परसाई होती हैं, लेकिन बेटियों के मुंह में फंसी एक माँ को उसकी बेटी ही समझा सकती है।